चलिए सर, होमवर्क वाले क्वेश्चन का 12.69। हाँ मैंने देखा था, अभी मैं देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, होमवर्क नंबर बता दो, कौन सा क्वेश्चन है आपका। पहले मैं स्टार्टिंग से एक बार कर लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं एक बार रफली यही चार्ट बना लेते हैं ना। हम सीख रहे थे निकालना सर। देखिए ये जो है हमारा चैप्टर है वो किसके ऊपर है सर, रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर है, ठीक है ना। रिस्क और रिटर्न के ऊपर है। हमने रिटर्न को निकालने के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे। एक सबसे पहले हमने क्या देखा सर, आपका जो था दो तरीके थे बेसिकली। एक हमने निकाला अर्थमेटिक मीन से और एक हमने रिटर्न निकाला ज्योमेट्रिक मीन से। होल्डिंग पीरियड हमने तो निकाला ही था, होल्डिंग पीरियड तो निकाला ही था, वो सिंपल सा टाइप था, उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़े थे क्योंकि वो बेस था और इसके अकॉर्डिंग निकाल लिया। अब इसके अंदर भी हमारा दो पॉइंट्स बनता था सर, ज्योमेट्रिक मीन आगे चल के काम आएगा, अर्थमेटिक मीन भी होगा। दो पॉइंट था, एक था हमारा पास्ट डेटा पे और एक था हमारा सर फ्यूचर डेटा पे। दो था हमारा, एक पास्ट डेटा पे और एक फ्यूचर डेटा पे। रिस्क की बात करें तो रिस्क में भी हमने जो देखा, रिस्क निकालने के लिए हमने यूज किया सर, रिस्क निकालने के लिए आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या लिखवाया सर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और इनटू। जो इसमें रिस्क निकाला था ये निकाला था हमने पास डेटा के हिसाब से। किसके हिसाब से सर, पास डेटा के हिसाब से। अब जो रिस्क निकालना हम सीखेंगे दैट इज फ्यूचर डेटा, फ्यूचर डेटा के हिसाब से। यानी सर क्या निकालना सिखाओगे सर, एक्सपेक्टेड रिस्क। एक्सपेक्टेड रिस्क, तो सर एक्सपेक्टेड रिस्क का क्या फॉर्मूला होगा, यहां पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा। ये क्या होगा हमारा, हमारा वैसे तो डी स्क्वायर होता ही है सिग्मा और डिवाइडेड बाय एन होता है, एन को हटा के क्योंकि फ्यूचर के अंदर प्रोबेबिलिटी आ जाता है तो यहाँ पी आ जाएगा बस, और इसका नीचे से ये हट जाएगा। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न का है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, कौन से क्वेश्चन का आंसर, अगर मैं सिंपल बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रिटर्न होगा वो बताता है, और अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन हमें ये बताता है कि पास्ट में क्या डेटा होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। पास्ट के डेटा के ऊपर हमारा क्या प्रॉफिट आ रहा है, एवरेज रिटर्न बता रहा है हमें, ठीक है ना। तो दो बातें, अगर हमें काम कर चुके हैं और हमारे पास डेटा अवेलेबल है और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा रिटर्न क्या है, तो हमें या तो अर्थमेटिक मीन से जाना पड़ेगा या ज्योमेट्रिक मीन से जाना पड़ेगा। अगर हम जानना चाहते हैं कि फ्यूचर से रिलेटेड, अगर हम क्या जानना चाहते हैं सर, फ्यूचर से रिलेटेड, तो फ्यूचर के अंदर हमारा क्या पॉसिबिलिटी है कि कितना रिटर्न कमाएंगे, तो वहां प्रोबेबिलिटी आ जाता है हमारा। तो प्रोबेबिलिटी के केस में अब दोनों डिपेंड करता है। पास डेटा में हम मीन मीडियन भी कर सकते हैं और ज्योमेट्रिक मीन भी कर सकते हैं। मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, कंफ्यूजन ना हो जाए। एक तो हमारा रिटर्न, सबसे पहले हमने सीखा था रिटर्न, रिटर्न के अंदर एक तो होगा पास्ट। तो सर यहां पे भी हम क्या निकालेंगे सर, जीएम भी निकालेंगे और एएम भी निकालेंगे, और एक है फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या होगा, जो हमारा एएम होगा या फिर जो हमारा जीएम होगा, बस इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना सर, प्रोबेबिलिटी से। और अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क में दो हो गए, एक हो गया पास्ट। पास्ट के अंदर बात करें तो यहां स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और अगर फ्यूचर की बात करें तो यहां भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारा सर, सिग्मा डी स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय एन। यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा सर, सिग्मा पी इंटू डी स्क्वायर, पी इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा एन नहीं आएगा, बस इसका अंडर रूट कर देंगे। अभी मैं जिसका एक क्वेश्चन है हर्षिता, वो मैं अभी देख लूंगा, अभी इसी स्लाइड पे ही क्वेश्चन होगा, मैं सामने ही कर दूंगा क्या आंसर आ रहा है वो हम देख लेंगे, ठीक है। उस पर परेशान अभी बिल्कुल भी मत होइए, मैं करवा दूंगा अभी। तो सर क्या पढ़ाओगे आज, आज क्या पढ़ाएंगे, आज पढ़ाते हैं अब सिंपल सी बात। अभी हमारा चल रहा है रिस्क, आज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंट भी देख लेंगे। रिस्क
सर दोबारा फिर से मैं दोबारा यहां रिपीट कर रहा हूं बात, रिस्क निकालने के दो पार्ट हैं, या तो निकाल सकते हो आप पास्ट डेटा के हिसाब से, सर पास्ट डेटा के हिसाब से निकालोगे, सिर्फ रिस्क की बात कर रहे हैं, तो रिस्क निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा जो कि होगा हमारा सिग्मा डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन जो दे रखा होता है क्वेश्चन अंडर रूट। अगर आप निकालते हो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड डेटा के ऊपर, तो एक्सपेक्टेड डेटा पे देखें तो सर यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा हमारा सम यानी सिग्मा आपका प्रोबेबिलिटी जहाँ फ्यूचर आ जाए प्रोबेबिलिटी इनटू में आपका डी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और यहाँ जो डिवाइड बाय एन करा था बस वो हट जाएगा, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड यानी फ्यूचर डेटा को निकालने के लिए, जैसे कि आपने पास्ट डेटा में देखा कि किस तरीके से किया था लास्ट क्लास में, तो ये पूरा हमने सॉल्व किया था। सिंपल सी बात है, डी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जितने बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, डी स्क्वायर ये था हमारा ईयर, ईयर के बाद आर, ये दोनों हमें गीवन था, ये दोनों पॉइंट गीवन था। अब हमने क्या किया, आर में से आर माइनस, ठीक है, आर में से मतलब के इस रिटर्न में से आर बार माइनस, आर बार कैसे आया सर, आर बार निकालने के लिए हमने यहाँ पे देखा था, आर बार निकाला हमने कैसे, दैट इज मीन, दैट इज मीन, मीन 9 आ गया, 9 में से हमने 10 में से 9 को माइनस किया, 12 में से 9 को माइनस किया, यानी हम हर बार ये रिटर्न में से हर बार यहाँ 9 माइनस किया, फिर यहाँ 9 माइनस किया, 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 9 9 9, फिर ये रिजल्ट आया। अब ये डी आ गया, डी का स्क्वायर करके ये आ गया, इसका टोटल हो गया सम ऑफ डी, इसके बाद हमने फॉर्मूला लगा के कर लिया। तो बस आप समझ सकते हो कि अब ये आइए एक क्वेश्चंस करके देखते हैं, और आज कुछ एक क्वेश्चंस भी कर लेंगे। एक हमारे सामने ये क्वेश्चन है, देखिए अभी मैं थोड़ा सा ना आपको उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ कि बच्चों को मैथमेटिक्स का ज्यादा नहीं है, नहीं तो फिर इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये मान के चलते हैं कि बच्चों को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही लेके मैं चल रहा हूं। सर सबसे पहले ईयर जो भी दे रखा हो हमें, ईयर हम लिख लेंगे ईयर, उसके बाद आप लिखोगे क्या सर, पहले मैं डी निकालना सीख लूं तभी तो पी से मल्टीप्लाई करेंगे, रिटर्न, रिटर्न के बाद मैं क्या निकालूंगा सर, रिटर्न के बाद मैं निकालूंगा डी, डी के बाद क्या निकालूंगा सर, डी के बाद मैं निकालूंगा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर के बाद क्या करूंगा सर, मैं प्रोबेबिलिटी लिख दूंगा, और प्रोबेबिलिटी के बाद ये मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहा हूं। सर सबसे पहले ईयर लिख लो, ईयर की बात करें तो ईयर है ये, तो यहां पे दे नहीं रखा, हालांकि ईयर मैं मान लेता हूं ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर है नहीं, फिर भी मान लेता हूं 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, 5 साल हो गए, ठीक है, ये हो गए 5 साल। आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं, अब रिटर्न की बात करते हैं, तो रिटर्न लिख देते हैं यहाँ पे, रिटर्न को मैं वैसे तो वहां एक्स लिख रहा था, अब लिखूंगा मैं आर, आर कितना है सर हमारा रिटर्न 20, प्रोबेबिलिटी नहीं लूंगा मैं, 20 और 15 दिख रहा है आपको, बिल्कुल 20 15 यहाँ माइनस 5 और यहाँ पे 25, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, अब हमें निकालना पड़ेगा आर बार, आर बार कह लो या फिर मैं कह लूँ डी निकाल लेता हूँ, तो डी क्या होता है हमारा सर, यानी मैं आर के ऊपर इसको सिंपल कैसे निकालेंगे सर, ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस में 15 माइनस में 5 और प्लस 25 और डिवाइडेड बाय कितने 5, यानी मीन, सिंपल सी बात है मीन। तो अगर मैं यहाँ निकालता हूँ 20 प्लस 15 माइनस में 5 प्लस में 25, 55 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया साहब 11 और इसका टोटल 55 आ जाएगा, वो लिखना चाहते हो तो लिख दो, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे सर, सिंपल डी, डी क्या होता है, इसमें से इस 11 को माइनस करो तो 9, 15 में से इस 11 को माइनस करो तो 4,
माइनस पांच में से माइनस ग्यारह करो तो क्या आएगा, सत्रह आ जाएगा, और वो भी किसका, माइनस का। पच्चीस में से ग्यारह माइनस करो तो कितने आ जाएंगे सर, तेरह आ जाएंगे सर। पच्चीस माइनस ग्यारह तो कितने आ गए, चौदह आ गए, चौदह आ जाएंगे। पच्चीस माइनस ग्यारह चौदह आ गए, चौदह आ जाएंगे, ठीक है चौदह आ गए। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पच्चीस माइनस ग्यारह एक बार फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको देख लेते हैं, बीस पंद्रह पच्चीस माइनस पाँच डिवाइडेड बाय दो तीन चार पाँच ग्यारह, ये ठीक है। अब चलिए डी का स्क्वायर करते हैं, अब नाइन एटी वन, ठीक है एटी वन, मैं लग रहा है कि कुछ बीस माइनस बारह, ये रिटर्न गलत ले लिया, बीस पंद्रह पैंतीस, बीस प्लस पंद्रह पैंतीस प्लस दस प्लस पच्चीस, अच्छा माइनस पाँच, एक गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा टोटलिंग मिस्टेक है सर, यहाँ पे मैंने ना अमाउंट गलत ले लिया, बीस पंद्रह माइनस पाँच, एक डेटा और है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार तो भूल ही गए भाई, चार तो भूल ही गए, इसको हटाओ, चार भूल गए, ठीक है चलो ये ऊपर का भी गलत हो जाएगा फिर सर। क्यों गलत होगा, क्योंकि माइनस ही गलत किया है, यानी चार में दस है और पाँच में पच्चीस है, ठीक है इनका टोटल बनेगा हमारा पैंसठ, और यहाँ पे बस मुझे दस प्लस करना है, पैंसठ ग्यारह तेरह आ जाएगा। अब तेरह से माइनस करेंगे, अगर हम तेरह में से पैंसठ ही है ना भाई, बीस प्लस दस प्लस पच्चीस माइनस पाँच डिवाइडेड बाय छः डिवाइडेड बाय तेरह, ठीक है। अब तेरह माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सर, सात। पंद्रह में से तेरह गए तो कितने आ जाएंगे सर, आठ। अब तेरह और पाँच कितने हो जाएंगे, अठारह, और बारह और पाँच सत्रह। मुझे कुछ एरर लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि बारह आना चाहिए सर, माइनस सत्रह सोलह होगा सर, तेरह आएगा, तेरह पंद्रह सोलह पच्चीस, चलो तेरह ही आएगा, तो ये माइनस का अठारह, दस में से हम तेरह माइनस करेंगे माइनस का तीन, पच्चीस में से हम तेरह माइनस करेंगे ये बारह, कुछ गड़बड़ लग रही है। एक बार डेटा किसी के पास बुक है चेक करो, मुझे डेटा में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्या डेटा में गड़बड़ हो सकता है आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर कौन सा करा रहे हैं, सोलह, सोलह बीस पंद्रह पांच पच्चीस, बारह, एक मिनट, बारह मैंने आर लिख लिया, पी नहीं लिखा, ओहो चलिए मेरे से ही गलती हुआ, मैं थोड़ा सा ये देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ लाना पड़ा, क्योंकि मेरे से एक चीज मिस्टेक हो गया था, मैं आपको याद दिला दूँ उसके हिसाब से। ये क्या निकाला सर आपने, ये निकाला एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब सर आपने एक तरीके से क्या निकाल लिया आपने, इसको मीन निकाला है, और मीन को मैं कह सकता हूँ आर बार कह रहा हूँ, ठीक है ना,
क्योंकि यहाँ पे क्या है सर, प्रोबेबिलिटी है। कैसे निकाला, इन सबको मल्टीप्लाई करते गए, मल्टीप्लाई करते गए निकाल लिया। सेम यहाँ पे हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैंने इसलिए पीछे दिखाया कि ये पॉइंट हमारा एक एक्स्ट्रा डल गया है, ये पॉइंट डल गया। यहाँ पे डी के बजाय हम क्या लेंगे, डी के बजाय, क्योंकि हमें मीन निकालना पड़ेगा पहले, यहाँ पहले हमें प्रोबेबिलिटी लेना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.2। अब निकलेगा हमारा डी इंटू पी, यानी आर इंटू पी। तो ये आ गया हमारा कितना सर, 2। ये कितना आ गया, 3। ये कितना आ गया, 2.5। 1 माइनस का 1, 5 इंटू में 0.2 माइनस 1, ये कितना आ गया, 0.7। मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 3, और ये कितना हो गया, 25 इंटू 2, 25 इंटू 0.2 5। इन सब का टोटल जो होगा दैट इज़ आपका मीन होगा, 2 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 और प्लस 5, ये 12 आएगा। यानी यहाँ पे जो आर निकलेगा वो मैं बता दूँ आपको, आर निकलेगा हमारा आर वन इंटू पी प्लस आर टू इंटू पी, ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस, प्लस आर थ्री इंटू पी प्लस आर फोर इंटू पी, और लास्ट में सो ऑन करके इसको डिवाइड करने की, एन से डिवाइड हम फ्यूचर रिटर्न में नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी को के ओ के टर्म्स में करके सॉल्व करना पी इंटू आर, ठीक है। चलिए अब हमें ये पता चल गया, अब डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालोगे, डी इसको और इसको माइनस करोगे, ठीक है ना, डी सॉरी डी आप इस मीन को लेके माइनस करोगे, यानी 20 में से 12 गए 8, 15 में से 12 गए 3, माइनस 5 और फिर 12 जाएंगे तो 17, वो भी माइनस का, 10 में से 12 गए माइनस का 2, 25 में से 12 गए तो 12 और 13 25, 13। अब हमें क्या करना होगा सर, ये पी डी है एक तरीके से, अब हमें क्या करना पड़ेगा, डी का स्क्वायर, एक तरीके से हमें डी का स्क्वायर, तो 6.4, 6.4। अब इसको क्या करेंगे सर, 9 इसको क्या करेंगे इंटू 17 इंटू में 17, तो ये आ जाएगा 289, 289 2 इंटू में 24 और 13 इंटू में 13 169, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई, डी स्क्वायर आ गया, ठीक है, डी स्क्वायर आ गया। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए, सभी बच्चों को क्लियर है, तो फिर मैं अब यहाँ करूँगा डी स्क्वायर इंटू में पी, डी स्क्वायर इंटू में पी, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो होगा टोटल किसका, पी इंटू में डी स्क्वायर का, और इसका अंडर रूट हो जाएगा। पहले यहाँ तक देखिए आप सर, आंसर का टोटल रिस्क का 10.5 आ रहा है, रिस्क की अभी, हाँ वो तो अब फाइनल आ रहा होगा, पहले अभी यहाँ तक देख लो, 2 प्लस में 3 प्लस में 3 प्लस में 5 माइनस में, ये तो आपका यही आ रहा है, और इसका प्रोबेबिलिटी का हमेशा टोटल एक रहेगा। पहले यहाँ तक देखो सर, आंसर टोटल रिस्क का 2.5 आ रहा है क्या, नहीं, हाँ 10.5 ही है होगा शायद, अभी देख लेते हैं। यहां तक बता दो, किसी को दिक्कत, यानी सबसे पहले हमने क्या, ईयर अपनी मर्जी से बना लिया, आर था आर इंटू पी करा, तो ये क्या निकल गया हमारा, इसको अगर आप देखो तो एक तरीके से ये निकला है आर बार, यानी मीन निकालने का तरीका होता है फ्यूचर वाले पॉइंट में, जो मैंने पहले करा था वो पास्ट वाले पॉइंट में होता है। इसके बाद डी निकाला, डी क्या होता है हमारा सर, डी इज इक्वल टू क्या कहते हैं सर, आर माइनस में आर बार होता है, ये डी का फॉर्मूला होता है।
तो उसके बाद डी मैंने निकाला, उसके बाद क्या निकाल लिया, डी का स्क्वायर कर लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, डी का स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय एन के बदले हम पी लगा रहे हैं। अब पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, तो 6.4 6.4 9 इंटू में 0.2 1.8 289 इंटू में 0.2 57.8 0.3 इंटू में 4 1.2 0.2 इंटू में 169 33.8। अब इसका टोटल कर लेंगे जो कि हमारे ये मिल जाएगा, टोटल 6.4 प्लस में 1.8 प्लस में 57.8 प्लस में 1.2 प्लस में 33.8, ये आ गया 101। अब यहाँ पे निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 101, ये पूरा, ये मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, इसका बस अंडर रूट करना है, बस अंडर रूट का सिंबल दबाया तो ये आ गया हमारा 10.04। राघव आपका सही जवाब था, ये हमारा बना क्या सर, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा 10.04 होगा, 10.04 एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, वंशिका का भी आ गया ये।